हाय एवरीवन, वेलकम टू एवर रियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए हम कुछ ऐसे टॉपिक में डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम ये थोड़ा सा कोट कोट देख लेते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। तो आप ऐसा कार्य कीजिए जो आपको आपके लक्ष्य को आगे की ओर ले जाए, ठीक है। लेकिन हमेशा जो प्रयास है उससे पीछे नहीं हटना है, चाहे आपका गोल या टारगेट मिले या फिर ना मिले। लेकिन जो आप काम करते हैं उससे जो एक्सपीरियंस मिलता है, उसका जो अनुभव होता है वो अपर लेवल का होता है। उससे आपको जीवन में कुछ करने के लिए काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी ये न्यूज़ में आप देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पास आप देख सकते हैं, जो रिटेल इन्फ्लेशन है अभी वो भी डाउन चल रहा है या फिर स्लो हो चुका है ना। कहने का मतलब ये है कि जो महंगाई दर है अभी उसमें कमी देखने को मिलेगा, ठीक है। जो इन्फ्लेशन देखिए, आप सितंबर में देखिए 7.41% था, लेकिन अभी अक्टूबर में आपको 6.77% देखने को मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन देखिए यहाँ 6 पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो कोशिश करेगा RBI, इसमें काम कर रहा है कि 6% के आसपास रहे, ठीक है। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि आर्टिकल छपा है, यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा जिसमें बताया गया कि जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन ये जो है अभी 6.7% था अक्टूबर में, और जो 7.41% था सितंबर में, ठीक है। इसका रिटेल इन्फ्लेशन था जो RBI के जो अपर थ्रेशोल्ड है 6% से उससे ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, तो इसमें काम करने की ज़रूरत है ताकि जो हमारा जो इकोनॉमी है वो अच्छा से चल सके। तो इसी कंटेक्स्ट में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो रूरल कंज्यूमर है कंटिन्यू फेस किए थे 7% इन्फ्लेशन के अक्टूबर में, ठीक है, इसी के बारे में छपा है। तो एक बार इसे ग्राफ को आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। एक 2021 में इसका क्या हाल था, जनवरी में, 2021 जुलाई में कहाँ था इसका रिटेल इन्फ्लेशन का जो रेट है आप यहाँ पास देख सकते हैं, ठीक है। अब अभी जो सितंबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, अभी नवंबर में कितना है, 6.77 है, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्राफ, ओके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पास क्या हुआ, अभी जो एटॉमिक एनर्जी है, अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है नेट जीरो की, ठीक है। जो अभी इंडिया अभी क्या कर रहा है, इंडिया आप देखे होंगे कि नेट जीरो का जो मीटिंग है, अभी आपने देखे होंगे कि COP27 के जब भी मीटिंग चल रहा है, कहाँ चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है इजिप्ट में, ठीक है। तो वहाँ पास आप देख सकते हैं कि अभी जो COP27 का जो मीटिंग चल रहा है उसमें कार्बन को न्यूट्रल करने की बात की जाती है। तो इसमें इंडिया ने अनाउंस किया है कि 2070 तक वो कार्बन को न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। अभी जो कार्बन का इमिजन जो है कम कर देगा 2070 तक। तो ये कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जो हुआ था लास्ट साल, ठीक है, COP26 कहाँ हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, तो वहाँ पास बोला था। तो आप देख सकते हैं कि जो फोटो में, ये इस फोटो में कौन है आपको दिखाई देगा, ये भूपेंद्र यादव जी हैं जो क्या है हमारे भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है। तो देखिए इंडिया का जो रोड मैप है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में, COP27 के बारे में। COP27 जो होता है क्लाइमेट चेंज के बारे में हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी तरह से जो क्लाइमेट है चेंज हो रहा है उसमें कुछ सुधार हो सके। तो इंडिया का देखिए रोड मैप देख सकते हैं आप यहाँ पास। तो इसमें देखिएगा कि जो नेट जीरो है करना है किसको, कार्बन को, ठीक है। COP27 अभी मीटिंग कहाँ चल रहा है आपका, चल रहा है आपका मिस्र में, ठीक है, इजिप्ट में, है ना। वो जो शहर का नाम है वो क्या नाम है, शरम अल अल शेख है, ओके, शरम अल शेख है। तो इसको जरूर आप याद रखिएगा, कौन सा मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 27th मीटिंग है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर आप एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है 2021 में, ठीक है। एम कहाँ है इसका था, तो इसका जो एम था मेक इन इंडिया था, ये ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि माइलस्टोन बताया गया है। तो इसमें एटलीस्ट ये 3-फोल्ड इंक्रीज हुआ है न्यूक्लियर कैपेसिटी 2032 इसमें करना है, ठीक है। और इसमें जो इसमें इथेनॉल को ब्लेंडिंग करना है, और ब्लेंडिंग करने के लिए जो टारगेट रखा गया है 2025 तक, इसमें 25% का जो इसमें टारगेट रखा गया है। तो इसमें 2025 तक 20% का जो इथेनॉल है उसका ब्लेंडिंग करने का टारगेट रखा गया है भारत सरकार की तरफ से, ठीक है।
तो अधिकतर क्या किया गया है, जो अधिकतर जो मैक्सिमम यूज़ करना है इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल का, या फिर इंक्रीज करना है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसका भी यूज करना है। देखिए कार्बन के जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए, उसका जो इमिजन है कम करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ देख की माई स्टोरी यहाँ पर दिया गया है गवर्नमेंट की ओर से, तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज करना है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, ताकि वो प्रोवाइड किया जाए जो डेवलप्ड नेशन है वो छोटे छोटे देशों को अपना जो धन है या फिर जो पैसे हैं वो दे सके। ठीक है, क्योंकि जो ऐसे देश हैं जो छोटे छोटे देश हैं उनके पास बहुत सारा पर्याप्त पैसा नहीं है, ताकि वो इस पर क्लाइमेट चेंज पर काम कर सकें। क्योंकि क्लाइमेट चेंज पर काम कैसे होगा, क्लाइमेट चेंज पर इसके लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, ताकि जो नेट जीरो है उसको लाया जा सके। ओके, तो ये सब होता है स्कीम की वजह से। और स्कीम कब बनता है, जब आपके पास फंड रहेगा, पैसा रहेगा। तो देखिए सभी देश चाहता है कि इसमें सभी देश काम करें, ओके, लेकिन बहुत सारे जो देश हैं वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। समझ कीजिए बहुत सारे कुछ ऐसे देश हैं जो हाँ तो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ग्राउंड लेवल पर उनका काम करने जो अंदाज है ठीक नहीं रहता है। ठीक है, तो इसी तरह भारत का जो रोड मैप में आप जैसे देख सकते हैं कि जिनके जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, इसका जो एम है, ग्लोबल टेम्परेचर है उसको कम करना है, 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है। ठीक है, ये लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको लाना है, और इसको जो सेंचुरी है आने वाले सेंचुरी तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको रखने का उन्होंने प्रण लिया हुआ है। ठीक है, तो मान सकते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस से जो तापमान होता है उससे अधिक नहीं होना है। ठीक है, ये COP27 में ही बात की गई है। तो ये फोटो को आप देख सकते हैं, कौन है, इन्वायरमेंटल मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव। ठीक है, COP20 जो समिट हो रहा है कहाँ, इजिप्ट में हो रहा है। ठीक है, वहाँ पास इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा अभी अच्छी अच्छी बातें की गई पर्यावरण के बारे में। ओके, UNFCCC में मतलब इन्वायरमेंटल जो क्लाइमेट चेंज है उसमें जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस पार्टी है उसमें बहुत सारे देशों इन्वॉल्व में है और इसमें काम करना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए फंड गवर्नमेंट की ओर से या फिर जो डेवलप्ड कंट्री है उनको हेल्प करना चाहिए। OECD का मानना है कि 83.3 बिलियन डॉलर का जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो हुआ था। ठीक है, पिछले बार तो इतना हो सकता है। गवर्नमेंट का या फिर जो UNFCCC में जो कंट्रीज हैं, जो मेंबर्स हैं, उनका कहना है कि जो कंट्रीज हैं डेवलप कंट्री, वो सभी छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं उनको फाइनेंस करें, ताकि वो क्लाइमेट चेंज पर सुधार कर सके। ओके, भारत 2070 तक इसको लो इमिशन करने का जो मार्ग में चलने वाला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पास। ठीक है, 2070 तक हम लोग को जो कार्बन इमिशन है उसको कम करना है या फिर लो करना है। इसके लिए हम लोग को बहुत सारे कार्य करने हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल है उसको आगे बढ़ाना है, प्लांटेशन करना है, और भी बहुत सारे जो काम है। ठीक है, और जैसे कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन उसको लॉन्च किया गया 2021 में, उसका जो एम है उसको ग्रीन हाइड्रोजन हब है उसको बनाना है। इसी तरह की बातें इसमें कही गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ अलग। तो यहाँ देखिए ट्रेड विथ इंडिया डबल टू 2 बिलियन डॉलर के यहाँ पर ट्रेड अभी नॉर्वे के पास अभी होने वाला है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बिलेटरल ट्रेड है किसके साथ, नॉर्वे के साथ। भारत का रिश्ता आप देखेंगे तो इसमें 2 बिलियन डॉलर के है लास्ट 2 साल में देखने को मिला है। ठीक है, अभी जो नॉर्वे के जो एम्बेसडर हैं अभी इंडिया आए के जो एम्बेसडर कौन हैं, हंस जैकोब हैं, उन्होंने बात कही है मंडे को। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नॉर्वे का जो इंटरेस्ट है किस में है, और इनके इस इंटरेस्ट है क्लाइमेट चेंज पर है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट पर है, क्लीन एनर्जी पर है, और जो ओशन टेक्नोलॉजी है उस पर है। तो नॉर्वे एक ऐसा देश है जो अपना जो इकोसिस्टम है, जो अपना इन्वायरमेंटल है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ओके, तो क्योंकि नॉर्वे चाहता है कि जो उसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट है या फिर जो उसका ओशन टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़े। ठीक है, इसलिए नॉर्वे जो अपना जो 1 बिलियन जो डॉलर है इसमें क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, अगले 5 साल में वो इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसको ग्रो करना चाहता है, ताकि जो उसका क्लाइमेट एरिया है, फिर क्लाइमेट चेंज है, उस पर काफ़ी तक काम कर सके। क्योंकि तो विंड एनर्जी हो गया, फिर सोलर एनर्जी हो गया, इस पर काम करना चाहता है नॉर्वे और भारत का रिलेशन। और क्योंकि इसके साथ इस बहुत सारे जो देश हैं, ठीक है, जैसे श्रीलंका हो गया, फिर जो नॉर्वे हो गया, इंडिया हो गया, ये सब कंट्रीज इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ एक देश को नहीं, इसमें सभी देशों को फायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपका जो क्लाइमेट होगा, फिर आपका जो इकोसिस्टम होगा, आपका जो ट्रेड होगा वो अच्छा रहेगा, तो आपका जो रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन, वो भी अच्छा रहेगा। ओके, और जो आपका ट्रेड है तो अच्छा रहेगा ही।
चलिए आगे देखते हैं। तो आप यहाँ देखिए G20 है, G20 के बारे में हम जानते हैं कि G20 के जो समिट अभी कहाँ चल रहा है, अभी इंडोनेशिया के जो बाली है वहाँ पर चल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाली है अभी न्यूज़ में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो नुसा डुआ जो रिजॉर्ट है ये है, 70 समिट हो रहा है अब द वर्ल्ड का मोस्ट जो एडवांस इकोनॉमी है उनके बीच, ठीक है। G20 कंट्रीज़ है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है 85% ऑफ द ग्लोबल GDP का, और जो 75% है ग्लोबल ट्रेड का, ठीक है, और 66% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का, क्योंकि जो दुनिया का जो 66% जो है वर्ल्ड का वो उसको रिप्रेजेंट करता है G20, क्योंकि G20 में बहुत सारे जो देश हैं जुड़े हुए हैं। तो एक बार आप देख लीजिए देशों को कि कौन कौन से देश जो इसमें G20 में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा जाता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पास ये देश है, आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होगा, ठीक है। अर्जेंटीना हो गया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। इथोपिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे, रशिया, मेक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, जर्मनी। तो इसी तरह आप 20 कंट्रीज़ का आप देख सकते हैं लिस्ट, आपके पास आपको देखना चाहिए एक बार। G20 काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि G20 से बहुत ज़्यादा अभी इसका इम्पोर्टेंट देखने को मिला है, क्योंकि एक देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो उसका कंट्री है वो आगे बढ़े, ठीक है। तो मेन क्या है इसका, G20 का इसका मैं जो मेन मोटो है वो क्या करना है, इसका जो मोटो है फॉर द G20 जो रिकवर करना है टुगेदर का, किसको रिकवर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आप देखे होंगे कि कोरोना काल आया था तब से इसके जो देश है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन या फिर बात नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से इसका जो सभी देशों के पास जो G20 की जो कंट्रीज हैं उनके पास लेसन से हैं थोड़ा सा नर्स देखने को मिलेगा था। लेकिन अभी इसमें सभी देश काम करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा कि वो फूड पर और जो एनर्जी है और जो सुरक्षा है, वो हेल्थ में या फिर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर इन्वेस्टमेंट में या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में का भी काम होने वाला है, ठीक है। जो G20 के कंट्री हैं वो अभी एक दूसरे से या फिर जो बायलैटरल ट्रेड भी हो करते हैं, लेकिन फिर भी अपने अपने देशों को आगे बढ़ाने के लिए सभी देश इसमें एकजुटता दिखाती हैं, और जो भागीदारी है वो यहाँ पास होता है। G20 को 1999 में बनाया गया था, ठीक है, लेकिन बाद में आप G20 से लेकर पहले G7 नेशन थे, इसके बाद आप देख सकते हैं कि G20 हो चुका है। तो इसमें अब काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि जो देश हैं वो इसमें अपना जो पार्टिसिपेशन है वो करते हैं। G20 की जो प्रेसिडेंसी अभी इंडिया को मिलने वाली है दिसंबर से, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि अब G20 की जो मीटिंग अगली बार होगा 2023 में इंडिया में होने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस साल G20 का जो मेन मोटो था आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि विशेषकर इसमें फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, और जो हेल्थ पार्टनरशिप है और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दिया जाएगा, और साथ साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उस पर इसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे अभी इसमें क्लाइमेट इशू भी हैं, उस क्लाइमेट चेंज तो उसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। तो G20 समिट अभी जो हो रहा है कहाँ हो रहा है एक बार और आपको याद होना चाहिए, बाली में हो रहा है जो इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। तो अभी किसकी प्रेसिडेंसी है, इसकी प्रेसिडेंसी है अभी इंडोनेशिया की, और अगले साल से इंडिया की हो जाएगी, ठीक है, और दिसंबर में प्रेसिडेंसी मिलने वाली है इंडिया को, ओके। तो ये आपको याद रखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो ऑस्ट्रेलिया है उसने वर्ल्ड कप आयोजित किया, और लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो नहीं जीत पाया, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं जो इंग्लैंड है, जो क्रिकेट टीम है इंग्लैंड का, उसने अभी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2022 का टाइटल जीत चुका है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी एक बार आप देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो लेसन कैसा लगा।